सर, अच्छा वो आप लोग आ गए। पता नहीं उसने ये सब कैसे किया होगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कौन है ऊपर? सर वो मानव की वाइफ किंजल है, और सर वो किसी को कुछ भी कर सकती है, प्लीज उसे लेकर जाइए। एक मिनट, कौन से फ्लोर पे वो? सर फिफ्थ फ्लोर, फ्लैट नंबर 504। क्या हुआ, तुम कौन हो? वो मेरी पत्नी किंजल, वो किंजल नहीं है, वो कोई और है। एक मिनट, चलो आ जा। एक मिनट, मुझे बचा लो। किंजल, मुझे बचा लो। किंजल, तुम ठीक हो? तूने मारा। छोड़ दे मुझे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मारूंगी मैं तुझे, मुझे छोड़ दो। ये क्या बड़बड़ा रही थी सर, बचा लो मुझे, और वो भी ऐसी आवाज में, बूढ़ी औरत की आवाज में। वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शायद इसी बात से तो लोग डर रहे थे, और उसका पति मानो भी। ये कौन से सुना हुआ है? माय गॉड, मर चुका है सर। तीन खून, यकीन नहीं होता सर, एक लड़की ऐसे तीन हट्टे कट्टे लड़कों को इतनी बुरी तरीके से मार सकती है। कमाल है सर, तीन लड़के इस कमरे में मारे जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने ना भागने की कोशिश की और ना ही लड़ने की। यहाँ पे सारा सामान अपनी जगह पे है, हाथापाई के कोई निशान नहीं। समझ भी नहीं आ रहा है। खिलौना? लगता है ये तो बहुत पुराना खिलौना। अभिजीत, इस मानो से पूछो, वही बताएगा यहां क्या हुआ था। सर, इन सब के पीछे एक ही बात है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन असल में ऐसे ही हुआ था। कौन सी बात बताओ? सर, मैं और मेरी पत्नी किंजल कुछ ही हफ्ते पहले इस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। मैं ज्यादातर समय हॉस्पिटल में ही रहता था। एक दिन जब मैं हॉस्पिटल से आया तो किंजल बड़ी खुश थी। उसने बताया कि उसे सामने वाली खिड़की में कोई बुजुर्ग आंटी दिखाई थी। किंजल इस बात से खुश थी कि दिन भर वक्त बिताने के लिए उसे कोई साथी मिल गया था। किंजल इतनी खुश थी कि वो उस घर में उस आंटी से मिलने के लिए चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। उस फ्लैट में तीन लड़के रहते थे। उन लड़कों ने बताया कि उनके यहाँ कोई बूढ़ी औरत नहीं रहती, लेकिन किंजल मानने को तैयार ही नहीं थी। उसने जबरदस्ती उनके घर में घुसकर उस औरत को ढूंढा, लेकिन वो औरत उस फ्लैट में कहीं नहीं मिली। और सर, कुछ दिन बाद जब मैं गहरी नींद में सो रहा था तो किंजल ने मुझे नींद से उठाकर बताया कि उसे वो बूढ़ी औरत हमारी खिड़की पर दिखाई दी थी और किंजल से मदद मांग रही थी। मैं तो विश्वास नहीं कर पा रहा था सर। मैंने किंजल को सो जाने के लिए कहा। इसी बीच मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ गया। एक इमरजेंसी सर्जरी करने के लिए मुझे हॉस्पिटल निकलना पड़ा सर। मतलब किंजल ने उस औरत को उस फ्लैट में देखा था, मगर आप लोगों में से किसी ने भी उस बूढ़ी औरत को उस फ्लैट में नहीं देखा। और अगर ये मान भी लें कि वो बूढ़ी औरत वहां पे थी, तो भी वो किंजल की खिड़की पे कैसे पहुंची? ये फ्लैट तो पांचवें फ्लोर पे है, कैसे हो सकता है ये? और वो भी वो बूढ़ी औरत मदद के लिए किंजल को बोल रही है, जिसने खुद तीन लड़कों का खून कर दिया। तो क्या ये सब किंजल का वहम था? सर, ऐसी कोई बूढ़ी औरत इस फ्लैट में तो क्या, हमारे पूरे बिल्डिंग में नहीं रहती वो। सर, और वो जो सामने वाले फ्लैट में तीन लड़के रहते थे, वो तो किसी से मतलब ही नहीं रखते थे, हमेशा अपने आप में रहते थे, और हम में से किसी को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर हम मान भी ले कि ये उसका वहम है, तो भी तीन लोगों के खून हुए। अभिजीत, कुछ तो है जो हमारी नजर में नहीं आया। देखो, आप लोगों ने कुछ देखा हो तो प्लीज बताइए, कुछ भी, किसी को आते जाते ये कोई आवाज सुनी हो, कुछ भी? नहीं सर,
कुल मिला के हम ही कुछ गिने चुने लोग यहाँ पर रहते हैं। अभी कुछ ज्यादा लोग यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुए हैं। और सर मैं तो अपनी वाइफ के साथ अपने कमरे में सो रहा था। सर मैं तो शूट पे थी, मेरा एड शूट था वो भी नाइट शिफ्ट का, सो मैं भी नहीं थी। मैं भी अपने दोस्तों के यहाँ पार्टी पर गया था, मैं खुद सुबह 6 बजे आया। और तुम वॉचमैन साहब? मैं यहीं पर था लेकिन मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। ठीक है, आप लोग अभी जा सकते हैं, प्लीज जाइए। चेक करना पड़ेगा कि ये लोग सही बोल भी रहे हैं कि नहीं। पंकज जरा ये देखना कि ये लोग जहाँ होने की बात कर रहे हैं वहाँ पे थे भी या नहीं, और इन तीनों लड़कों की डिटेल्स भी निकालो। मनो आप दिखाइए जरा वो जगह जहाँ पे किंजल ने उस बूढ़ी औरत को देखा था। आइए सर। सर यही वो खिड़की है जहाँ से वो बूढ़ी औरत किंजल से मदद मांग रही थी। ये कांच पे हाथों के निशान तो दिख रहे हैं, इसका मतलब वो बूढ़ी औरत सामने वाले फ्लैट में रहती है। ये मानो बता रहा था ना कि किंजल को वो सामने वाले फ्लैट में चेयर पे बैठी हुई दिखती थी और मदद मांगती रहती थी। उस फ्लैट में कहीं चेयर वगैरह है? चेयर थी सर, स्टोर रूम में एक चेयर थी। सर ये वो कुर्सी है सर, शायद किंजल सच कह रही थी सर। अब ये कुर्सी तो मिल गई, बूढ़ी औरत भी मिल जाएगी। लेकिन सर अगर वो बूढ़ी औरत यहाँ पर थी तो जब किंजल उस औरत के बारे में पूछने आई थी यहाँ पे तो इन लड़कों ने झूठ बोला था उससे। सर अगर बूढ़ी औरत सच में थी तो वो किंजल की खिड़की तक कैसे पहुंची? सर अभिजीत उस खिड़की का कांच निकाल रहा है जिसपे उस बूढ़ी औरत के उंगलियों के निशान मिले। उर्वी मानो तुम पांचवी मंजिल पर रहते हो ना, इसका मतलब है तुम्हारे ऊपर और दो मंजिलें हैं, मतलब दो फ्लैट्स हैं। कौन रहता है उन दोनों फ्लैट्स में? सर सिक्स फ्लोर पे तो ये खुद रहते हैं। आप कहना क्या चाहती हैं कि अगर मैं मानव के ऊपर रहता हूँ तो ये सब काम मैंने किया है? एक मिनट, और सेवन फ्लोर पे कौन रहता है? सर वो फ्लैट काफी दिन से बंद पड़ा हुआ है। जैसे तुमने बताया इस बिल्डिंग का टेरेस बंद ही रहता है, ताला लगा हुआ है, इसका मतलब है वो औरत या तो तुम्हारे फ्लैट में से नीचे उतरी है या फिर सातवें मंजिल वाले फ्लैट से। दोनों फ्लैट की तलाशी लेते सर, पता चल जाएगा बूढ़ी औरत किस फ्लैट से लटकी थी। आइए सर। को देखकर लगता तो नहीं है सर कि यहाँ पे कोई रहता था। हाँ वही। फ्लैट की चाबी तुम्हारे पास ही होती है ना? सर आप फिर से मुझ पर ही शक कर रहे हैं? हाँ शक कर रहे हैं। सर ये फ्लैट 2 साल से बंद पड़ा हुआ है। तो क्या हुआ सर? हाँ ये देखिए रस्सी का निशान। दया औरत रस्सी से यहीं से गई है किंजल की खिड़की तक। सर हाँ दया ये देखिए सर, लगता है 2 साल बाद यहाँ कोई मेहमान आया था। उंगलियों के निशान, वो औरत किंजल तक यहीं से पहुंची थी। मालिक कौन है इस घर का? सर अंकना कुमार, वो सूरत में रहती हैं। उन्होंने जब से ये फ्लैट लिया सर ये फ्लैट बंद ही पड़ा हुआ है। दया बिल्डर से इस अंकना कुमार का एड्रेस ले लेते हैं, और तुम लोग हैं ना इस बिल्डिंग में रहने वाले, तुम पर किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हम। सर अमर रोहान और संजय एड एजेंसी में काम करते थे सर, और हमने चेक किया तो पता चला कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हाँ सर
ये तीनों किंजल को पहले से ही जानते नहीं थे। अच्छा, और ये बाकी के लोग खून के वक्त वो लोग क्या कर रहे थे? सर, सबका स्टेटमेंट हमने रीचेक किया। ये सोहन जो फ्रेंड की पार्टी में गया हुआ था सर, उसका दोस्त दरअसल घर पे था ही नहीं, वो शहर से बाहर है सर, इस वजह से उससे बात ही नहीं हो पाई है। और ये अमित और सीमा अपने घर पे ही थे। मानव उस वक्त हॉस्पिटल में ही था, स्टाफ ने कंफर्म किया है। लेकिन सर, जिस पेशेंट का ऑपरेशन मानव करने वाला था वो हॉस्पिटल में आया ही नहीं था। और वो अलीना, वो उस वक्त कहाँ थी? सर, अलीना एड की शूट पे थी सर, वो उस एड एजेंसी में मैनेजर है सर। और सीसीटीवी चेक किया तो पता चला कि वो जो गार्ड था ना सर, मस्त नींद में सो रहा था। उसकी शक्ल देख के लग ही रहा था सर कि वो सो ही रहा होगा। वो बूढ़ी औरत किंजल से मदद मांगती है, किंजल मदद करने जाती है और तीन लोगों का खून कर देती है। क्या कनेक्शन है इस बूढ़ी औरत का और किंजल का? ऐसा लग रहा है कि किंजल को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बूढ़ी औरत, वो बूढ़ी औरत है कौन? वही तो इस किंजल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अपने होश में नहीं है वो। और कोई तो है जो उसके इस स्थिति का फायदा उठा रहा है, उससे ये खून करवा रहा है, मगर कैसे? और फिर ये क्या क्या राज है इस खिलौने के पीछे? हेलो, ओके, थैंक यू सर। हॉस्पिटल से फोन था, किंजल अभी नॉर्मल है, लेकिन एक बात है, उसे कुछ भी याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था। किंजल, क्या तुम ठीक हो? जी सर, पर हुआ क्या है? कल रात जब तुम्हें वो बूढ़ी औरत दिखी थी, उसके बाद क्या हुआ था? मैं उनको बचाने के लिए उनके फ्लैट गई थी, पर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे तो ये नहीं पता वो मेरी खिड़की में आई कैसे। किंजल, तुम्हें याद है तुम्हारे हाथ में एक रॉड था, रॉड, और तुम्हारा पूरा शरीर खून से सना हुआ था, और तुम कुछ बड़बड़ाती जा रही थी। मुझे बचा लो सर। रॉड, खून? सर, मुझे नहीं याद कि मैं क्या बड़बड़ा रही थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब, जरा वैसे क्या हुआ, क्या है किंजल को? सर, मैंने इनसे बात कर ली है, इनका पूरा चेकअप भी करवाया है, बाकी सब कुछ तो नॉर्मल है, लेकिन दिमागी स्तर पर कुछ गड़बड़ है सर। इनका अपने दिमाग पर काबू नहीं रहता, इनका इलाज भी चल रहा था सर। इनकी ब्लड रिपोर्ट से पता चलता है कि इन्हें कुछ दवाइयां काफी सालों से दी जा रही थी। किंजल, जरा ये देखो, ये हमें उस फ्लैट में से मिला है। नहीं, नहीं, बताओ मुझे, किंजल, बताओ मुझे, जाने किंजल, ये क्या कर रहे हो? मुझे मार डालेगा, किंजल, मुझे मार डालेगा, मुझे जाने दो, किंजल, कोई नहीं है, मुझे जाने दो, मुझे कोई नहीं है यहाँ पे, बचाओ मुझे, किंजल, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना यहाँ, बचाओ मुझे, बचाओ। मानो, देखो, तुम्हारी पत्नी किंजल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लगता है कोई तो उसका फायदा उठा रहा है। तुम्हारी शादी कब हुई थी? सर, एक साल पहले। इनके परिवार में कौन कौन? किंजल की एक दादी है, थारीवाद में रहती है, और शादी से पहले किंजल उन्हीं के साथ रहा करती थी। मरा तो ये इसी से। क्या समझे, लाश से सबूत मांग रहा है? हाँ यार, मांगने की कोशिश जरूर कर रहा हूँ, लेकिन लाश बता नहीं रही। एक काम करो, तुम पूछ के देखो, शायद तुम्हें बता दे। अच्छा,
क्यों भाई, कुछ बता दो। अरुण क्या ही बताएगा। ले अब तू ही बता। बता बता जल्दी बता। बस लगता ऐसा है कि इन तीनों की मौत इस रॉड के वार की वजह से हुई है, लेकिन ऐसा है नहीं। दरअसल इन दो की मौत इस रॉड के वार की वजह से हुई है, लेकिन इसकी मौत किसी और वजह से हुई है। ये देखो, ये देख रहे हैं यहाँ पर ये छोटा सा निशान, ऐसा लगता है किसी नुकीली चीज से इसके सीने पे वार किया गया है। बिल्कुल, और इसी नुकीली चीज के वार की वजह से इसकी मौत हुई। मतलब किंजल ने पहले इस हथियार से इस पर वार किया जबकि वो पहले मर चुका था। एक बात और, इस हथियार पर किंजल की उंगलियों के निशान के अलावा इस संजय की उंगलियों के निशान भी हैं। हाँ, तो किंजल और संजय के बीच में हाथापाई हुई होगी और उसी दौरान ये उंगलियों के निशान रॉड पे आ गए होंगे। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक बात सोचो, रूहान के कपड़ों पर रूहान का खून मिला है, अमर के कपड़ों पर भी अमर का ही खून है, लेकिन इस संजय के कपड़ों पर और इसके शरीर पर भी रूहान और अमर इन दोनों का भी खून मिला है। एक सोचने वाली बात है। अब ये खूनी कौन है जिसने संजय को मारा? सरंखी, तू बता सकता है ये छोटा सा छेद है, ये घाव है, वो किससे बना होगा? बस ये किसी बारीक नुकीली चीज जैसे कोई पेन जैसा हथियार, उससे बना है। लेकिन सर, हमने तो पूरा घर अच्छी तरह से छान मारा था, वहां पे ऐसे कोई हथियार या पेन जैसी कोई चीज नहीं थी। और ये वाला, ये जो निशान है वो? बस ये दरअसल जब किसी ने वो पेन जैसी चीज से इस पर वार किया तो उसकी उंगलियों के खरोंचों के निशान है, और ये इतना तेजी से वार किया गया कि उसके नाखूनों के टुकड़े भी इसमें फंसे होंगे। सर किंजल एक ही आदमी को दो हथियार से क्यों मारेगी? मतलब सर वहां पर कोई और भी था? रूहान और अमर दोनों को संजय ने मारा होगा, क्योंकि उस रॉड के ऊपर संजय की भी उंगलियों के निशान है, और तो और संजय के कपड़ों पर भी अमर और रूहान दोनों के खून की छींटे भी मिले। सर फिर संजय को इस छोटे से हथियार से किसने मारा होगा? और एक बार मरने के बाद फिर एक बार इस रॉड से क्यों मारा संजय को? सर हो सकता है कि किंजल को पता ही ना हो कि संजय पहले से मर चुका है। बात थोड़ी उलझी हुई है, लेकिन ये बाल शायद हमारी कुछ मदद कर सके। उसी कुर्सी पर से मिले हैं जो आप संजय के घर से लेके आए थे। दिखते तो असली जैसे हैं, लेकिन ये बाल असली नहीं है, विग के बाल है, विग के। दया, बहुत ही गहरी साजिश है ये, गहरी साजिश। सर, इस विंडो के ग्लास पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं उससे आपको काफी मदद मिल सकती थी, लेकिन ये निशान थोड़े अधूरे हैं और हमें इसे बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन एक बात है जिससे आपको काफी हेल्प मिल सकती है। वो क्या? हमें किंजल के खून में से काफी मात्रा में मेडिसिंस के ट्रेसेस मिले, दवाइयों के। अब ये एग्जैक्टली कौन सी मेडिसिंस हैं ये बस हम ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है कि किंजल को एक काफी बड़ी बीमारी है जिसका इलाज काफी सालों से हो रहा है। वो तो हमें हॉस्पिटल में किंजल की हालत देख के भी समझ में आ गया था। किंजल, पता लगाना पड़ेगा किस बीमारी की शिकार है ये किंजल। मीनाक्षी जी, हम लोग सीआईडी से हैं, मानो से हमें आपके बारे में पता चला। वैसे आप किंजल की? सीआईडी से? जी। मैं किंजल की दादी हूँ। क्या हुआ उन्हें? कल से मैं मानो को उसे फोन लगा रही, वो उठा ही नहीं रहे। सब ठीक तो है ना ऑफिसर? मैम एक्चुअली मानव और किंजल के साथ लेकिन अभी किंजल ठीक है और हमारे पास है। देखिए माँ जी, हमें पता है कि किंजल को कोई बड़ी बीमारी थी जिसका कई सालों से इलाज भी चल रहा है। जो कुछ भी है आप हमें सच सच बताइए, अगर किंजल निर्दोष है तो वो बच जाएगी। कोई तो है जो मेरी किंजल का सच जानता है, उसी ने उसको फंसाया है। एक मिनट मीनाक्षी जी, बताइए क्या सच है, क्या सच है जो हम नहीं जानते? दरअसल ऑफिसर, किंजल को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी है।
स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये जो आप कह रहे थे कि किंजल कुछ बड़बड़ कर रही थी, मुझे इससे बचाओ, मेरे पास मत आने दो, मेरी मदद करो, इसके पीछे एक कहानी है। डक से बाद में खेल लेना ना, रख दे डक, पहले बाल बना दूं, है ना? यूरी, पति का ख्याल रखती नहीं है और दूसरे के बच्चे से इतना प्यार, यहाँ क्यों आया? चल बिंदु, पैसे निकाल। कोई पैसे नहीं दूंगी तुझे, दारू पीने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है तेरे, जा यहाँ से। तो पैसे नहीं देगी? नहीं देगी, जा यहाँ से। पैसे नहीं देगी तू, रुक। अरे किंजल, जा, मैंने किसी को बुलाया, मुझे मार डालेगा। आंटी का महात्मा ना, उसके बाद से ही किंजल अपने आप को बिंदु समझने लग गई। हमने हर वो चीज इस घर से हटा दी जो उसे बिंदु की याद दिलाए। इस खिलौने को देखिए। अरे ये तो वही खिलौना है जो बिंदु ने किंजल को दिया था जब वो 6 साल की हुई थी। इसे देखकर तो किंजल को बिंदु की याद आ जाती थी। इसे मैंने छुपा के रखा हुआ था, लेकिन सर ये आपको कहाँ से मिला? ये खिलौना हमें उस फ्लैट से मिला जहाँ पर खून हुए थे। मतलब सर, किसी ने किंजल पर इस खिलौने को ट्रिगर की तरह इस्तेमाल किया? हाँ। मैम, किंजल की बीमारी के बारे में किस किस को पता था? बस मुझे पता था और यहाँ एक डॉक्टर है, बस उन्हें मालूम था। सर, इस क्लिनिक को देखकर नहीं लगता कि यहाँ पर किसी का इलाज हो सकता है। कई साल पहले किंजल को यहाँ पे उसकी बीमारी के लिए दिखाया गया था। जी साहब, आप डॉक्टर हैं? नहीं, डॉक्टर साहब तो छुट्टियां मनाने अमेरिका गए हुए हैं, मैं कंपाउंडर हूँ। कहिए, किसे तकलीफ है? हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम लोग CID से, हमें आपकी मदद चाहिए, कुछ जानना है। जी कहिए। बहुत दिनों पहले यहाँ पे एक पेशेंट थी, किंजल। किंजल? हाँ थी तो, क्या हुआ सर? हमें जानना है कि कोई किंजल के बारे में यहाँ पे कुछ पूछने आया था या फिर कोई उसकी मेडिकल रिपोर्ट यहाँ से ले गया हो। किंजल के बारे में कोई पूछने तो नहीं आया, हाँ लेकिन एक नर्स आई थी सिटी हॉस्पिटल से, वो कंप्यूटर के पास गई और कह रही थी कि उसे जरूरी केस की फाइल चाहिए। कौन से केस की फाइल? वो तो नहीं पता, वो कंप्यूटर के पास गई और कुछ फोटोकॉपी की और करके चली गई। इसे? जी। इसे देखकर तो लगता है कि काफी समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये यूज होता है? जब से डॉक्टर साहब बाहर गए हैं ये स्कैनर बंद पड़ा हुआ है, लेकिन हाँ आखिरी बार उसी नर्स ने इस प्रिंटर को यूज किया था। अच्छा, अब बोल ना सारों के, बोल। बस फ्लैट के स्विचबोर्ड और खिड़की से जो उंगलियों के निशान मिले हैं उसमें बड़ी अजीब सी बात सामने आई है। क्या क्या सामने आई है अजीब सी बात? बस दोनों पर जो उंगलियों के निशान हैं वो किसी औरत के नहीं है बल्कि किसी आदमी के। क्या? अच्छा चल ठीक है। क्या हुआ सर? अभिजीत, कहानी में कोई तीसरी बूढ़ी औरत थी नहीं। सारण के बता रहा था कि किंजल जिसे बूढ़ी औरत समझ रही थी ना, वो कोई औरत नहीं, आदमी है। आदमी? आदमी सर, ढूंढ निकाला मैंने उसे। अरे किसे ढूंढ निकाला? सर वो औरत। औरत? कौन सी औरत की बात कर रहे हो फ्रेडी, बताओ जल्दी। सर ऋषिना टावर के उस फ्लैट की मालकिन, मैंने उसे ढूंढ निकाला है।
सर। ये देखो, हर गुनेगार कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ता है, जैसे इसने अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिए। आप लोगों को मुझसे ऐसा क्या काम आ गया जो आप लोगों ने मुझे लंच तक नहीं करने दिया? मैम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए, तीन तीन खून हुए हैं और उसके बारे में जो भी हम सवाल आपसे करेंगे उनका हम सही सही जवाब चाहते हैं। आपके फ्लैट की चाबी किन किन लोगों के पास रहती है? तीन तीन खून, लेकिन मेरे फ्लैट के साथ इसका क्या संबंध है? क्या किया उसने? क्या किया है उसने? उसने मतलब किसने? हा? कौन, जो बिल्डिंग का सेक्रेटरी है उसकी बात कर रही हैं? नहीं। तो फिर कौन? वो मेरा रिश्तेदार। रिश्तेदार? गया। आ दे। ठीक है अभिजीत, कृष्णा टावर में हम जितने भी लोगों से मिले सबको ब्यूरो में बुलाते हैं। सर आपने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? कहीं आप मुझ पर शक तो नहीं कर रहे? शक सिर्फ तुम पर ही नहीं, यहाँ ये सारे जितने भी लोग मौजूद हैं ना, उन सब पर शक है, क्योंकि तुम लोग उस बिल्डिंग में रहते हो लेकिन किसी ने भी बिल्डिंग के अंदर किसी को आते हुए नहीं देखा, ना बाहर जाते हुए देखा, तो शक तुम सब पर ही होगा ना। रुहान और अमर को संजय ने मार दिया और फिर वो खुद भी मर गया। किंजल ने जिंदा लोगों को नहीं मारा था बल्कि मरे हुए लोगों पर वार किया था। पर खून करने के बाद, मेरा मतलब है मरे हुए लोगों को मारने के बाद, किंजल वहीं बैठ गई कि सीआईडी वाले आए और इसे पकड़ लें। हाँ सर, ऐसा ही कुछ हुआ था, सबने देखा था। हाँ मगर कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे दिखता है वैसे होता नहीं। अब दिखता तो है कि किंजल ने खून किए पर ऐसा है नहीं। और कभी कभी जैसे नहीं दिखता असल में वैसा ही होता है, जैसे आप लोगों ने उस बूढ़ी औरत को नहीं देखा था लेकिन असल में वो थी। आप लोग ये कहना चाहते हैं कि खून हम में से किसी एक ने किया है? बिल्कुल, जिस मरीज का ऑपरेशन करने आप हॉस्पिटल में गए थे वो मरीज वहां पे आया नहीं था। शक तो आप पे भी है। अब किंजल ने एक बूढ़ी औरत की कहानी सुनाई, हालांकि कहानी में बूढ़ी औरत है ही नहीं, है एक आदमी, और उस आदमी को बचाने के लिए किंजल जाती है उस फ्लैट में और उस फ्लैट में से मिलती है तीन तीन लाशें और किंजल बचती है, तो इल्जाम किंजल पर ही आएगा। मानव को अपने बीवी के बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता था ऐसा ये दावा करता है। मानव जी, आपकी बीवी को सर्दी या जुकाम नहीं हुआ था कि एक दो दिन में ठीक हो गया और आपको पता ही नहीं चला? और अमित और सीमा, आपके घर से किंजल की बालकनी में आप लोग बड़ी आसानी से जा सकते हैं। अलीना, शूटिंग पर तो थी पर कब तक थी ये किसी को नहीं पता, और सोहन जिस दोस्त की पार्टी में गया था उसका अता पता भी नहीं है। इसका क्या मतलब निकाले हम लोग? सर मैं शूट पे थी या नहीं थी इससे ये तो नहीं साबित होता कि मैंने खून किया है। हाँ हाँ, साबित नहीं होता अलीना जी, पर हम शक तो कर सकते हैं ना आप पर, और इसीलिए तुम सबके फिंगरप्रिंट्स हम लेंगे और हमें जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उनसे मैच करके देखेंगे। बस खून ही अपने आप सामने आ जाएगा। सर मैं पहले फिंगरप्रिंट्स देना चाहूंगी। हाँ Thank you.
समझ में नहीं आता एक भी फिंगरप्रिंट मैच कैसे नहीं होती है। देखा आपने, किसी ने कुछ नहीं किया। सर क्या अब हम लोग घर जाएं? ठीक है जाइए। दया अभिजीत समझ में आ गया फिंगरप्रिंट मैच क्यों नहीं हुआ है। आप लोग यहाँ कैसे? आप शूटिंग में बहुत बिजी रहती है ना, इसलिए सोचा हम ही आपसे मिलने आ जाए। हाँ पर यहाँ मेरे घर की चाबी तूने इसे दे दी? आप समझ आया? अभी भी समझ में नहीं आया हो तो हम बता देते हैं। सर एक फिंगरप्रिंट में गड़बड़ है। किसका है ये? सर अलीना के। कहीं अलीना ने अपनी उंगलियों पर कुछ लगाया तो नहीं? तुमने ही वहां क्लिनिक में जाके किंजल के बीमारी के बारे में पता किया और उसका गलत फायदा उठाया। तुमने ही संजय को मारा और तुमने ही सोहन से फ्लैट की चाबी ली, संजय को दी। क्यों? संजय के फिंगरप्रिंट और 7th फ्लोर पे जो अंकना का फ्लैट है उसमें मिले फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं। वो बूढ़ी औरत संजय था। तुमने ही किया ना ये सब कुछ? हाँ मैंने किया ये सब। क्या माना पूरी बात नहीं बताई सर को? कोई बात नहीं सर, एक्चुअली ना ये सब के पीछे मानव का हाथ है। इसने प्यार तो मुझसे किया लेकिन शादी उस पागल किंजल से। ये हस्बैंड वाइफ ने मिलके ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और इससे मैं बदला लेना चाहती थी बस इसीलिए। तुमने संजय को बुरी औरत बनने के लिए मजबूर कैसे किया? संजय मेरे ऑफिस का एम्प्लॉय था और मैं उसकी एक्स बॉस। उसे एक छोटे से फ्रॉड केस में फंसा दिया। वो इतना डर गया कि कुछ भी करने को तैयार हो गया। अलीना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज इस केस में मुझे मत फंसाओ ना। तुम तो जानती हो मैंने कुछ भी नहीं किया है। क्यों, तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मुझे फंसाने से पहले सोचा था क्या? अलीना उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज मुझे बचा लो। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी करोगे? जैसे तुम कहो मैं बिल्कुल वैसे करूंगा। मेरे लिए खून करो कि खून खून? हाँ वो जो तुम्हारे दोस्त है ना, दो, क्या नाम है, रूहान और अमर, बस उनके साथ रिश्ता टावर में शिफ्ट होना होगा, जिस फ्लैट में मैं कहूँ वहां। और उसके बाद क्या करना है वो बाद में बताऊंगी, ठीक है? तुमने जो कहा था मैंने कर दिया, अब किंजल यहाँ कभी भी आ सकती है। अभी तो काम बाकी है। कौन सा काम? उस वक्त मानव किंजल के साथ ना रहे इसलिए तुमने प्लान बना के मानव को हॉस्पिटल भेज दिया जहां पे कोई पेशेंट था ही नहीं। तो चाहती थी कि ये मानव पूरी रात हॉस्पिटल में रहे, जो ये बात था, और मैं यहां अपना काम पूरा कर रही थी। दिमाग किंजल का नहीं बल्कि तुम्हारा खराब है अलीना, मरीज तो तुम हो। दुश्मनी तो मानव और किंजल से थी, उन तीनों लड़कों ने क्या बिगाड़ा था? उनको फोन क्यों किया तुमने? अरे सर वो तीनों भी सीधे नहीं थे, जहाँ मैं पहले काम किया करती थी वो तीनों भी मेरे साथ ही काम करते थे। फ्रॉड किया था, धोखा दिया था तीनों ने मिलके मुझे, मेरा जीना आराम कर दिया था ऑफिस पे, मेरी बेइज्जती हुई, मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया, और जिसका बदला तो मुझे लेना ही था। मैंने सोचा कि क्यों ना साथ में लिया जाए, ये सोहन ये तो मेरे प्यार में लट हुए। इससे मैंने अंकना के फ्लैट की चाबी मांगी तो इसने आसानी से दे दी बिना कुछ पूछे। बस मैंने सोचा कि क्यों ना इस
मानव के साथ साथ उन तीनों से भी बदला ले लिया जाए जो मैंने किया। पर गलती मुझसे यह हुई कि इस मानव को छोड़ दिया। मेरे बस में आता तो इसका भी खून कर देती। बदले की आग में तुमने तीन तीन खून कर दिए, पर मिला क्या? अब जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ो। कौन है आप? सीढ़ियों से कहां जा रही हैं आप? मैडम मैडम रुकिए। अरे बाप रे, ये तीन माले पे गई। ये अभी तो यही थी, ये कहाँ गायब हो गई? कौन हो तुम? यहाँ क्यों आई हो? ये आवाज क्यों आ रही है यहाँ से? बोलो, ये आदमी क्यों चिल्ला रहा है? देखो दूर हो, मैं कहता हूँ दूर हो, आगे मत आना। ये आवाज तो यहीं से आ रही है। कौन हो तुम बताओ मुझे, कौन हो? क्या हुआ वॉचमैन, ये शोर कैसे? ये 300 दिन से आवाज आ रही है। पूनम और अजय रहते हैं, लगता है अंदर कुछ हुआ है। पीछे हटो, पीछे हटो। देख देख देखते हैं चल के। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? देखो हट जाओ यहाँ से, हट जाओ, हट जाओ। पूनम साहब, अजय मैम साहब, रुको, मेरे पास इस घर की दूसरी चाबी है, मैं अभी लेकर आता हूँ। पूनम साहब, साहब दरवाजा खोलो साहब, साहब पूनम। साहब ये वही औरत है जो सुबह से ऊपर आई है। क्या बात कर रहे हो? ये वो अंदर कैसे गई है? ओ गॉड क्या हो रहा है? मैं देखता हूँ, एक मिनट। कौन? कौन? ये उसी ने किया, पक्का उसी ने किया ये। लेकिन ये आदमी है कौन? और पूनम और अजय वो कहाँ है? अजय पूनम, अजय पूनम, पूनम अजय पूनम। साहब साहब मैम साहब, अजय साहब, ये वही है जो सीढ़ियों से चढ़कर आई थी।
लाखों सेवार किया है। कौन है ये आदमी, पहचानते हो तुम? नहीं सर, पहले तो कभी इसे इस बिल्डिंग में देखा नहीं, पता नहीं कौन है। सर मैंने इस बिल्डिंग में इसको किसी के यहाँ आते जाते नहीं देखा, और पक्का सर ये बाहर का ही आदमी था। घर किसका है ये? सर इस घर में मैं रहता हूँ, ये मेरा फ्लैट है, ये मेरी वाइफ पूनम और ये मेड पुष्पा। वैसे जब ये हुआ तब तुम लोग कहाँ थे? हम शहर से बाहर घूमने के लिए गए हुए थे। आपके फ्लैट में एक अजनबी घुसता है और उसका खून हो जाता है, कैसे? सर हमें भी नहीं पता सर। साहब कल रात हमने एक औरत को देखा था साहब, उसी ने खून किया है साहब। कौन औरत? साहब ये जो पेंटिंग में औरत है ना साहब, इसी ने ये स्टूडियो से ऊपर आई और फिर इस फ्लैट में घुस गई साहब। क्या तुम्हारा मतलब है पेंटिंग में ये औरत की तस्वीर बनी है, इसने खून किया? हाँ साहब इसी ने साहब, और इसी के हाथ में हमने चाकू भी देखा है साहब। क्या बात कर रहे हो, ये औरत घर से बाहर कैसे जा सकती है अंदर आने के बाद? वही तो सोचकर हम भी परेशान है साहब, लेकिन साहब ये जो आदमी है ना, ये इसकी आवाज आ रही थी, ये बहुत चिल्ला रहा था। और सर जैसे ही हम लोग अंदर आए वो औरत कहीं गायब हो गई। अरे बंद कमरे के अंदर से वो बाहर जाएगी कैसे, कैसे जाएगी? बात बता, क्या तुम्हारे इस घर में बाहर जाने का कोई और भी रास्ता है? नहीं सर, बस यही एक दरवाजा है। सर एक मिनट प्लीज। सर ये लोग सही कह रहे हैं सर, हमने चेक किया है, यहाँ से बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं है। सर खिड़की पर भी लोहे की मजबूत जाली लगी, यहाँ से भी कोई बाहर नहीं जा सकता। सर हाँ? ये देखिए हाथ के निशान है, जैसे किसी चीज से घिसे या रगड़े गए हो। और सर हाँ? जूते पे भी घिसने के निशान है, मट्टी और रेत लगी हुई है। सर ये हाथों पे जो निशान है शायद रस्सी से चढ़ने से हुए हो सकता है, किसी न किसी रास्ते से तो ये आदमी इस बिल्डिंग के अंदर आया है। पूरी बिल्डिंग चेक करो। दरवाजा खुला है, ये तो टूटा हुआ है, फोर्स एंट्री है। हाँ अभिजीत, ये देखो, ये पाइप देखो अभिजीत, जरूर इसी पाइप से वो ऊपर आया है टेरेस पर। सामने सीसीटीवी कैमरा लगे हैं ना, उनसे बचने के लिए इस पाइप से चढ़ के आया, वहां छत का दरवाजा तोड़ा और फ्लैट के अंदर चला गया। हाँ मगर सर इतनी रात को फ्लैट में करने क्या किया था, अपना खून करवाने? नहीं पंकज, नहीं। डायनामाइट अभिजीत, डायनामाइट, माय गॉड। पंकज संभाल के लिए जाओ इसे सालुंखे के पास। बिल्डिंग में करने क्या आया था, बिल्डिंग उड़ाने आया था क्या? वही तो समझ नहीं आ रहा है अभिजीत, एक आदमी डायनामाइट लेकर आता है, बिल्डिंग में छुप कर बैठा है और रात को, आधी रात को फ्लैट के अंदर घुसता है, पर उसी फ्लैट के अंदर उसी का खून भी होता है। ये सारा चक्कर क्या है? डायनामाइट, उसका खून, बहुत बड़ी गड़बड़ है अभिजीत, बहुत बड़ी गड़बड़ है। सर हाँ तारिका। सर जो लाश आपने भिजवाई थी उस पर चाकू का बस एक ही बार किया गया, बिल्कुल तेज और सटीक, जिससे तुरंत उसकी मौत हो गई। अच्छा और क्या पता चला? और उसके एक पैर पर घुटनों के जरा सा ऊपर जलने के निशान भी पाए गए, जिसका इलाज भी उसने करवाया था। तारिका डायनामाइट का क्या पता चला?
तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर डायनामाइट की कैपेसिटी अलग अलग होती है और इतनी कैपेसिटी वाला डायनामाइट ज्यादातर कंस्ट्रक्शन कंपनीज वाले इस्तेमाल करते हैं पुरानी बिल्डिंग्स को गिराने के लिए। ये इतना पावरफुल डायनामाइट कोई ऐसी चीज तो नहीं जो बाजार में गए और खरीद ली? हाँ सर, इसके लिए तो काफी सारी परमिशन और पेपर वर्क की जरूरत पड़ती है। वही तो सर, तो हो सकता है इस आदमी के पास जो डायनामाइट था वो उसने किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से चुराया हो। हाँ, हो सकता है, और ऐसी कंपनी भी गिनी चुनी होगी। पता लगाना पड़ेगा दया, कौन सी कंपनी है जो इस तरह का डायनामाइट इस्तेमाल करती है। अभिजीत, इस अजय और पूनम से पता लगाओ कि वो पेंटिंग वाली औरत है ना, वो पेंटिंग कहां से खरीदी है। सर, दो कंस्ट्रक्शन कंपनी से तो कुछ पता नहीं चला। देखते हैं, इस बची हुई बिल्डिंग में कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। चलो। यहां के मैनेजर से मिलते हैं। देखो, वहां पर प्लास्टर हो जाए तो फिर दो आदमी को ऊपर भेज देना वहां पर। एक्सक्यूज मी। यस सर। आप इस साइट के मैनेजर? जी सर। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? ये देखिए, डायनामाइट। जी हाँ, डायनामाइट। आप लोग ये डायनामाइट बिल्डिंग गिराने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना? हाँ, ऐसे ही डायनामाइट हम हमारी पुरानी बिल्डिंग गिराने में ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग रखते हैं ये डायनामाइट? जी हाँ। तो इसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्या इंतजाम करते हो? सर, काफी सेफ जगह पर रखते हैं, वहाँ हर कोई नहीं जा सकता। जरा दिखाएंगे कहाँ रखते हैं? हाँ हाँ, आइए इस तरफ। चलिए, सामने इस तरफ। आइए सर, इस तरफ। आइए, ये देखिए, ये रहे डायनामाइट्स और ये रहा उसका सारा हिसाब किताब। पंकज, जरा बॉक्सेस चेक करो। सर, हमारे पास सारे पेपर्स हैं। सर, हमारे पास ये सारे डायनामाइट्स काफी सेफ है। सर, छह बॉक्सेस है। छह? या आपके रजिस्टर में तो बता रहा है कि सात बॉक्सेस, छह कैसे? नहीं, यहां तो सारे बॉक्सेस होने चाहिए, पर यही कहीं होगा। सर, यही कहीं होगा। सर, लगता है डायनामाइट आदमी ने यहीं से चुराया है। क्यों, कहां गया बॉस? कौन कौन आ सकता है इधर? कौन ऑथराइज है इधर? बुलाओ, सबको बुलाओ यहां। तुम्हारे इस साइट के स्टोर रूम में डायनामाइट के सात बॉक्सेस थे। सात बॉक्सेस, उसमें से एक बॉक्स गायब है। डायनामाइट का एक बॉक्स गायब है। किसने गायब किया वो बॉक्स? किसने गायब किया? सच सच बताओ। तुम क्या जानते हो? कुछ नहीं मैडम। कुछ नहीं जानते हो तो फिर मुंडी नीचे क्यों? बताओ जल्दी। तो उसने मुझे पैसे का लालच दिया था। अच्छा, लेकिन मैंने मना कर दिया था। ये देख, ये आदमी था वो? नहीं सर, वो एक औरत थी। क्या, औरत? हाँ सर, औरत थी।
वो मुझे लाख रुपए देकर डायनामाइट लेना चाहती थी मुझसे, फिर सर मैंने मना कर दिया। सत्यवादी जो ठहरे तुम, हाँ तुमने मना कर दिया फिर भी बॉक्स गायब है, तुमने पैसे नहीं लिए तो बॉक्स गायब है, झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं सर, वो पैसे मैंने नहीं लिए सर, वो सारे पैसे 500 और 1000 के नोट में थे, मैंने मना कर दिया सर। हाँ सर, लेकिन जब सुबह आया यहाँ तो देखा कि डायनामाइट का एक बॉक्स गायब था। अच्छा, तुमने पैसे नहीं लिए तो उसने वो बॉक्स चुरा लिया है ना, उस औरत का स्केच बनवाओ इससे, पता लगा लेंगे है कौन ये औरत। सर यही वो दुकान है जहां से अजय और पूनम ने वो पेंटिंग खरीदी थी। आइए, यहाँ आपको मिलेगी दुनिया की सबसे खास उम्दा और अनोखी किस्म की कलाकृतियाँ। देखिए, हम लोग यहाँ पे कुछ खरीदने नहीं आए हैं, कुछ जानने आए हैं। हम लोग CID से हैं। एक औरत के बारे में कुछ पूछताछ करनी है आपसे। औरत? ये है वो औरत। देखिए, खून हो गया है, उसी सिलसिले में इस औरत से कुछ पूछताछ करनी है। और इस औरत की पेंटिंग आप ही की दुकान से बेची गई है। मुझे पता था कुछ ना कुछ होगा इसके बारे में, और हो गया। आपको पता था? आप जानते हैं इस औरत को कहाँ मिलेगी? देखिए साहब, वो यहाँ नहीं मिलेगी, वो मर चुकी है। मर चुकी है? जी मर चुकी है, 50 साल पहले। क्या, 50 साल पहले? जी, इसका नाम मालिनी है और ये रजवाड़ी खानदान की, मगर शादी के दिन ही उसका खून हो गया था। खून? किसने किया था खून? वो अभी तक पता नहीं चला, लेकिन अभी जो खून हुआ है वहां पे लोगों ने इस औरत को देखा है। सर, इस तस्वीर में उसकी आत्मा है। और अभी भी वो अपना बदला लेने के लिए बराबर आती रहती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां जो लोगों ने देखा है वो शायद उसकी आत्मा होगी। आत्मा? पता नहीं वो कौन सा मनोज दिन था जिस दिन मैंने वो तस्वीर खरीदी थी। वो तो अच्छा हुआ कि वो अजय जी और पूनम जी आई और उन्होंने वो खरीद लिया, मैंने उनको सस्ते में दिया और मेरी जान छूटी सर उससे। ठीक है, ऐसा लगता है किसी ने इस मालिनी के बारे में पता किया और उसके चेहरे का इस्तेमाल करके अपना मकसद पूरा कर रहा है। इस पेंटिंग को फिर से चेक करना पड़ेगा। तुम जाओ, जरा उस पेंटिंग को लेके आओ, जाओ। दो मिनट के लिए शांति से बैठ जाइए प्लीज। पर ऐसे कैसे? अरे आपको जो भी बोलना है ना, वन बाय वन बोलिए प्लीज। बैठिए, बैठिए, बोलिए। देखिए सेक्रेटरी साहब, वॉचमैन के होते हुए कोई आके बिल्डिंग में खून कर जाता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और मैं तो ज्यादातर रात में फ्लाइट्स पर जाती हूँ, अगर यही सब चलता रहा तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगी। हमने तो अपनी जान पर खेलकर उसका पीछा किया था। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें हमारी बिल्डिंग में सिक्योरिटी टाइट करनी होगी, क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है। अजय जी, मेरी मानिए तो सबसे पहले आप उस पेंटिंग को अपने घर से निकाल दीजिए। अनीता जी, ये आप कैसी बात कर रही हैं? और उस पेंटिंग का खून से क्या लेना देना? देखिए साहब लोग, अब हम अकेले पहरेदारी नहीं करेंगे यहाँ पर, बस बता देते हैं। देखिए, अब मैं इस बिल्डिंग में नहीं रह सकती। हे भगवान, इनका तो दिमाग खराब हो चुका है। एक्सक्यूज मी, मुझे भी कल जल्दी जाना है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। क्या मैडम, आप भी हमारा नाम लगा रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं आप? ऑफिसर, आप इस वक्त? जी हाँ, दरअसल मैं उस पेंटिंग को लेने आया हूँ। ये क्या हो रहा है? ओह गॉड, क्या करूं? वॉचमैन, कोई है? Somebody help me! हमें उस पेंटिंग की से कुछ पूछताछ करनी है, अब मेरा मतलब है कुछ टेस्ट करने। हाँ सर, उस मनोज पेंटिंग को लेकर ही जाइए आप। अरे आप उदास मत होइए, आपकी प्यारी पेंटिंग का काम खत्म होते ही
मैं आपको वापस कर दूंगा। ठीक है सर, आप आइए मेरे साथ, मैं बताता हूँ आपको। ये आवाज किसकी है? आवाज यहाँ से आई है। मैं हूँ ना, डरो मत, डरो मत। अरे डरिए मत। मैं नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, वो आत्मा होगी। चलो मैं नहीं। मेघना, मेघना क्या हुआ तुम्हें? मेघना, मेघना तुम ठीक तो हो ना? वो आई थी, उसके हाथ में चाकू था, वो मुझे मार डालेगी। देखा, वो पेंटी के लिए वापस आई। अजय तू उस पेंटी को फेंक दे उसे। लेकिन गई कहाँ? अरे हम सब तो सीढ़ियों से ऊपर आए थे, फिर वो जा कहाँ सकती है? कहीं वो अंदर तो नहीं है? चलो लो। वो पेंटिंग से निकल चुकी है। अरे रुको, आइए आप लोग, आइए अंदर आइए। ये देखिए क्या है, क्या है ये? अरे ये क्या, ये पेंटिंग वाली औरत तो वापस आ गई, अभी तो यहाँ थी नहीं। ये अपना शिकार ढूंढने के लिए पेंटिंग से बाहर आती है और शिकार करके वापस पेंटिंग में चली जाती है। ये आत्मा है, आत्मा हमें सही सर, ये आत्मा है। एक मिनट आप लोग जरा शांत हो जाएंगे। यहाँ पे कोई है जो साजिश रचने की कोशिश कर रहा है। ये हमें मार डालेगी सर। अरे कमाल करते हैं आप लोग, ये औरत पेंटिंग में से गायब हो गई और वापस चली गई, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम जरा चुप रहोगे? सर वॉचमैन सच बोल रहा है, इस पेंटिंग में जो औरत है ना वो गायब थी, मैंने अपनी आंखों से देखा सर। अरे यार फ्रेडी, ये भी हो सकता है किसी ने पेंटिंग बदल दी हो, कोई है जो खेल खेल रहा है, और ये आप में से ही कोई होगा क्योंकि बिल्डिंग में बाहर से कोई आया नहीं है। हम में से कोई? आपका मतलब ये है कि हम एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं? सर मेघना पर जब हमला हुआ था ना तब सारे बिल्डिंग वाले मेरे साथ थे सर, तो फिर इनमें से कोई कैसे हो सकता है? इसका मतलब साफ है कि कोई इनके अलावा है इस बिल्डिंग में छुप के बैठा हुआ है। सर एक बात पूछूं, 50 साल पहले मरी हुई औरत वापस कैसे आ सकती है? अरे यार यही तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 50 साल पहले मरी हुई औरत वापस नहीं आ सकती है। कोई है जो आप लोगों के दिमाग के साथ खेल खेल रहा है? अरे साहब दिमाग धोखा दे सकता है लेकिन आंखें नहीं, हमने तो तुम जरा चुप रहोगे हैं? बेटी इसका मतलब साफ है, ये पेंटिंग फेक है, झूठी है। झूठी पेंटिंग? हाँ, एक्सपर्ट टेस्ट करके बता देगा ये पेंटिंग 50 साल पुरानी है या 5 दिन पुरानी। क्या पता चला? Well, एक बात तो कंफर्म है, ये पेंटिंग असली है। क्या आपको पूरा यकीन है ये पेंटिंग असली है? जी बिल्कुल, ये कैनवास और ये फ्रेम की लकड़ियां बहुत पुरानी है, और ये कैनवास करीब करीब 50 साल पुराना है। मैं आर्ट एक्सपर्ट हूँ और आप लोग मेरी बात का यकीन कर सकते हैं। लेकिन इस पेंटिंग में ये औरत गायब कैसे हो सकती है और बाद में वापस इसी पेंटिंग में दिखाई देने लगती? एक बात बताओ, ये पेंटिंग और किस किस के पास रही है? दरअसल ये पेंटिंग 2 साल पहले ऑक्शन में खरीदी गई थी। खरीदी किसने थी ये पेंटिंग? जिसने भी खरीदी हो, मेरे पास रिकॉर्ड में उसका नाम जरूर होगा। एक मिनट सर। ये रहा, किसी विकास कुमार नाम के शख्स ने ये पेंटिंग खरीदी है, ये है उसके डिटेल्स। ये तो वही है इसकी लाश हमें फ्लैट में मिली।
विकास कुमार को किसी खून के इल्जाम में जेल भी हुई है। अरे ये जेल में था तो फ्लैट में कैसे पहुंचा? जेल से भागकर अजय के घर गया होगा शायद ये पेंटिंग लेने के लिए। अपने ऐसी क्या खास बात है इस पेंटिंग में जो विकास जेल से भागकर अजय के घर में घुसता है और फिर वहीं उसका खून भी होता है? जी सर, ये तो विकास है, खून किया था इसने और कुछ टाइम पहले इसी जेल हॉस्पिटल में था। लेकिन क्या? लेकिन कुछ समय पहले इस हॉस्पिटल के एक हिस्से में आग लग गई थी, काफी अफरा तफरी और भगदड़ मच गई थी। उसी का फायदा उठाकर विकास यहाँ से भाग गया। सिर्फ अकेला वही था जो यहाँ से भागा था। उसके शरीर पे जलने के निशान तो मिले थे, यहाँ से भागते समय जल गया होगा। इसे पहचानते हैं आप? कभी यहाँ पे विकास से मिलने आई होगी? ये तो इसी हॉस्पिटल की स्टाफ नर्स है सर। इस वक्त कहाँ है ये? ऊपर की मंजिल पर। चलिए दिखाइए। आगे ये नहीं वो। अरे अरे अरे, बाद में भाग लेना, पहले हमसे तो मिल लो। चलो, तुम ही ने विकास की मदद की थी ना जेल से भागने में? हाँ, वो विकास अपनी पेंटिंग को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान था। जैसे ही उसको पता चला कि उसके घर वालों ने वो पेंटिंग बेच दी है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। बस उसे वो पेंटिंग हर हालत में चाहिए थी। विकास ना किसी औरत का भी जिक्र कर रहा था, उसकी तलाश में था। कौन कौन सी औरत? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उन दोनों के बीच में काफी गहरा रिश्ता हो। अब ये कौन है दूसरी औरत? विकास की एक और साथी? इसके बारे में तो विकास का कोई जान पहचान वाला ही बता सकता है। और हाँ सर, उस पेंटिंग में ना कोई तो चाबी छिपी हुई थी, जिस चाबी को वो किसी भी हालत में पाना चाहता था। और तुमने वो डायनामाइट क्यों चुराया? विकास ने बोला कि वो डायनामाइट लेकर के आओ और मैंने कर दिया। अब ये चाबी का क्या चक्कर है? पेंटिंग में हमें कोई चाबी तो मिली नहीं। सुनो, मैंने इस केस की उलझी हुई पहेली को सुलझा दिया है। क्या बात है तारिका जी, आपने तो पूरा केस ही सॉल्व कर दिया है एकदम। अच्छा, कैसे सुलझा दी केस? अब सर, आपको इस पेंटिंग में से चाबी क्यों नहीं मिली ये बात मुझे पता चल गई है। क्यों क्यों नहीं मिली चाबी? एक मिनट बताती हूँ। क्योंकि ये पेंटिंग नकली है। क्या पेंटिंग नकली है? तारिका, उस एक्सपर्ट ने सारे टेस्ट करने के बाद बताया कि ये कैनवस, ये पेंटिंग 50 साल पुरानी है। हाँ सर, ये कैनवस तो 50 साल पुराना ही है, लेकिन ये पेंटिंग बिल्कुल पुरानी नहीं है। खूनी ने बड़े होशियारी से ये पेंटिंग बनाई है कि किसी को पता ही ना चले कि ये नकली है। और वो कैसे? सर, इस पेंटिंग में किए गए रंगों के इस्तेमाल से। मैंने इन रंगों को टेस्ट किया तो इसमें मुझे कुछ खास तरह के केमिकल्स मिले। कैसे कैसे केमिकल्स? ज्यादातर इन केमिकल्स का इस्तेमाल रंगों में ही किया जाता है ताकि वो रंग या पेंटिंग्स पुरानी लगे। लेकिन खास बात तो ये है कि पिछले 10 साल से ये केमिकल्स इस्तेमाल में लाया जा रहा है, इससे पहले तो ये केमिकल्स बने ही नहीं थे। मतलब आपका ये कहना है कि ये पेंटिंग 50 साल पुरानी नहीं है? नहीं, पेंटिंग्स नहीं, कैनवस है। 50 साल पुराना कैनवस, पता लगाना पड़ेगा ये 50 साल पुराना कैनवस मिला कहां से होगा। आइए सर। सर, कुछ पेंटिंग जो बिकी नहीं है हमने यहाँ पे रखा है उसने। ये सारी पुरानी पेंटिंग्स है, कुछ 50 साल पुरानी या कुछ उससे भी ज्यादा पुरानी है। ये देखिए सर, सारी की सारी पुरानी। ये देखिए सर, ये सारी 50 साल पुरानी पेंटिंग्स है। 6 पीस लग तो नहीं रहे। 1, 2, 3, 4। ओह माय गॉड, क्या हो गया सर? इसमें से 2 पेंटिंग्स गायब है। किसी ने 50 साल पुरानी पेंटिंग चुराई, उसके ऊपर मालिनी की नकली पेंटिंग बनाई और असली पेंटिंग से बदल दी। हाँ,
कौन कौन आता है यहाँ पर तुम्हारे स्टोर रूम में? सर यहाँ तो मैं और मेरा स्टाफ, और कोई आ ही नहीं सकता यहाँ तक। कौन कौन है स्टाफ में, उनकी कोई डिटेल्स है? जी सर अभी ला के देता हूँ। ये लीजिए सर, इसमें सारी डिटेल्स हैं। पुष्पा, ये तो अजय की मेड है सर। ये मेरी वाइफ पूनम और ये मेड पुष्पा। ये है क्या करती? ये हमारे यहाँ साफ सफाई का काम करती है। अच्छा, तो पुष्पा ने अच्छी तरह से की है साफ सफाई। अभिजीत, ये पुष्पा जरूर उस बिल्डिंग में किसी के लिए तो काम करती है। हाँ अभिजीत, पूरे बिल्डिंग में कोई भी कहीं भी नहीं दिख रहा है सर, सब गया में लगता है, भाग गया सर। सर नौकरानी का भी फोन बंद आ रहा है, हम उसकी लोकेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्डिंग का एक एक फ्लैट चेक कर लिया सर, सब पे ताला लगा हुआ है। आदमी तो छोड़िए सर, पूरी बिल्डिंग में चिड़िया भी नहीं है, सब भाग गए। हमने बेसमेंट चेक नहीं किया है सर, तो चेक करते फिर चलो। इतना बड़ा गड्ढा बिल्डिंग के नीचे? गड्ढा यहाँ से कुछ ले जाने के लिए किया गया गड्ढा। लगता तो वैसे ही है, लगता है इस बिल्डिंग के अंदर जो माल छुपाया था यहीं से निकला होगा। वो डायनामाइट नर्स से विकास ने इसीलिए बोला चुराने के लिए, ताकि यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा कर सके। पहले पेंटिंग के पीछे से वो चाबी चुराई और अब लूट का माल लेके निकल गए। लूट का माल रखा होगा किसी तिजोरी लॉकर में, वही तिजोरी यहीं से उठाई होगी। ये सारा प्लान इस विकास का है, पर खूनी बीच में आ गया। सर नौकरानी अकेली तो इतनी बड़ी साजिश नहीं कर सकती, वो जरूर इस खूनी की मदद कर रही है। सर, हाँ? सर विकास से जो औरत जेल में मिलने आती थी उसका नाम याशिका है। याशिका? सर याशिका विकास की वकील थी और जेल जाने से पहले तक दोनों के बीच काफी गहरा रिश्ता भी था। फिर तो विकास ने इस लूट के बारे में याशिका को जरूर बताया होगा। हाँ, ये याशिका इस वक्त कहाँ है? सर कुछ दिन पहले एक रोड एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद वो कोमा में चली गई थी। सर कहीं ऐसे तो नहीं कि विकास का सीक्रेट याशिका से जानने के बाद इस खूनी ने जानबूझ के उसका एक्सीडेंट करवा दिया रास्ते से हटाने के लिए? हाँ लगता तो ऐसे ही है। ये खूनी अपने आप को बड़ा चालाक समझता है, और उसे पता नहीं अब हम कौन सी चाल चलेंगे। कुछ नहीं था तुम्हारी उस बिल्डिंग में, ना कोई औरत और ना कोई आत्मा, वो तो तुम सबको उस बिल्डिंग से भगाने की चाल थी। और ये चाल थी विकास की। विकास वो आदमी जिसकी लाश हमें अजय के फ्लैट में से मिली। उस बिल्डिंग में विकास ने चोरी का माल छुपा रखा था और वही लेने आया था वो। कैसा चोरी का माल सर? हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था सिवाय खूनी के। उसने वहां विकास का खून कर दिया और लूट का माल वहां से लेके चला गया, और खूनी को लग रहा है कि वो पकड़ा भी नहीं जाएगा। हाँ, लूट का माल पाने के लिए खूनी ने विकास को मारा और फिर याशिका को भी मारने की कोशिश की। लूट के बारे में वो याशिका से ही उसे पता चल गया था, लेकिन उसे एक बात पता नहीं, याशिका को मरवाने की कोशिश की पर उस एक्सीडेंट में याशिका मरी नहीं, कोमा में चली गई, और अब याशिका कोमा से बाहर आई है। और अब याशिका खुद खूनी का नाम बताएगी, इसीलिए हमने उसे यहां बुलाया। पंकज, याशिका को लेकर आओ। याशिका ने खूनी का नाम बता दिया है। खूनी है?
कोई मेरे पास नहीं है। अनीता जी आप क्या कर रही हैं? अनीता मैं ऐसे गोली मार दूंगी, मैं बोल रही हूँ। चलो चलो मेरे साथ, कोई आगे नहीं आएगा, मैं ऐसे गोली मार दूंगी, मैं कह रही हूँ। चलो अनीता चलो मेरे साथ। वेरी स्मार्ट अनीता जी, हमें तो पहले से ही शक था तुम पर, फंस गई ना हमारी चाल में। तुम्हें क्या लगा मुर्दे को जिंदा करके खेल खेलना सिर्फ तुम्हें ही आता है? सिर्फ नाम जानकर क्या करोगे, और कुछ नहीं जानते हो तुम लोग। हाँ हमें कुछ नहीं पता, लेकिन आगे का सच भी तुम हमें बताओगी। याशिका एक रेस्टोरेंट में अपने किसी दोस्त के साथ थी, वो बहुत नशे में थी, और उस वक्त मैं भी उनके साथ थी, और तभी मैंने उनकी सारी बातें सुन ली। क्या क्या सुन लिया तुमने? याशिका विकास की लॉयर थी, और विकास ने उसे बताया कि उसने कहीं से हीरे चुराए जो 20 करोड़ के थे, और इस बारे में विकास ने किसी को नहीं बताया था। और वो हीरे उसने बिल्डिंग के बेसमेंट में छुपा दिए थे, है ना? हाँ, और जिस बॉक्स में उसने वो हीरे रखे थे, वो सिर्फ एक खास चाबी से ही खोला जा सकता था। और वो चाबी उस पेंटिंग में छुपाई गई थी। याशिका खुद अपने उस दोस्त के साथ मिलकर वो हीरे चुराने की प्लानिंग कर रही थी। मगर तुमने सब कुछ सुन लिया था तो तुमने सोचा क्यों ना वो हीरे मैं खुद ही लपेट लूं, इसलिए तुमने याशिका को मार दिया। और फिर मैं उस बिल्डिंग में पहुंच गई, और वो पेंटिंग ढूंढी, पर उस बिल्डिंग के बेसमेंट से वो हीरे चुराने से पहले वहां के सारे लोगों को वहां से निकालना जरूरी था। और इसके लिए तुमने नाटक रचा, पेंटिंग वाली औरत की आत्मा का नाटक, जिससे डर के बिल्डिंग के सारे लोग भाग गए। सब कुछ सही चल रहा था, पर इसी बीच में विकास जेल से भागने में कामयाब हो गया, और मैं जानती थी कि वो अपने हीरे लेने और उस पेंटिंग के लिए जरूर वापस आएगा। और फिर औरत की आत्मा बनकर तूने विकास का भी खून किया और पेंटिंग भी चुरा ली। हाँ? लोगों को डराने के लिए मालिनी जैसी दिखने वाली एक एक्ट्रेस को पैसे देकर मैंने सारा काम करवाया, और वो एक्ट्रेस भी मेरे ही फ्लैट में रहती थी, इसीलिए कभी किसी को पता ही नहीं चला कि वो गायब कैसे हो जाती थी। जब हम लोग वहां बिल्डिंग में पहुंचे तुम उससे पहले वहां पे पहुंच गई, और वहां से वो पेंटिंग जिसमें चाबी थी उसे निकाल दिया, और वहां पे वो पेंटिंग रख दी जिसमें चाकू फिट किया गया था। और तभी जब विकास ने उस पेंटिंग को निकालने की कोशिश की, तब वो एक्ट्रेस तो अजय के घर पर थी ही नहीं, वॉचमैन ने जिसे देखा वो उसका होलोग्राम था, मैंने तो बस उसके दिमाग से खेला था। वाह अनीता जी, बढ़िया प्लान बनाया था, लेकिन हर मुजरिम अपने प्लान में कहीं ना कहीं तो चूकता ही है। अब जेल की सलाखों के पीछे सड़ते बैठना, सोचते बैठना, कहां चुक गई थी तुम अपने इस प्लान में?